ये या मगेल कारवार ये या हाँ ये कोकनी लैंग्वेज को शुभम ये कर्नाटक का इधर नारियल के पेड़ बहुत ही होंगे गाइस। इधर का नेचर एक नंबर है, सुकून लगता है। मानवी के गांव आए पहली बार यार। कौन है यार, कौन अपने गर्लफ्रेंड के गांव भी जाता है? मैं जाता हूँ गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 15 hours वी आर फाइनली इन कारवार एंड ओ माई गॉड, इतनी मैं ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली हम कारवार पहुँच गए इतनी 15 hours की जर्नी के बाद एंड आई एम सो हैप्पी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग ट्रेन में थे एंड लास्ट हम मडगांव स्टेशन उतरे थे जो गोवा का स्टेशन है और उधर से कारवार आने तक 1 hour लगे हमें। अभी जस्ट इतने सुबह हम लोग सुबह के 5 बजे, इसलिए अंधेरा है पूरा, और हम कारवार आ गए। पहली बार इतने 5 बजे आ रहे हैं एंड एक्साइटेड, मुझे नाचने का मन हो रहा है। हाँ घर पर गाइस, हमने बहुत एंजॉय किया हमारी ट्रेन की जर्नी, इट वॉज नाइस। एंड अभी हम लोग स्टेशन के ऊपर चल रहे हैं, मनस्वी भी आगे जा रही है। ये मेरा बैग दे मुझे, मैं करती हूँ थैंक यू। हाँ ये हाथ मनस्वी, डिड यू लाइक? बहुत अच्छे यार, यहाँ के चलते बात करें, बहुत आगे जाना है। मस्त है ना, अनलॉकी है यार। यही है वो कारवार की स्मेल जो हम लोग लिटरली 8 साल बाद वी आर हियर एंड आई एम एंजॉयिंग। मन से तुझे कुछ याद आ रहा है? 8 साल बाद आ रही है इसलिए कुछ नहीं याद आ रहा है। हाय शुभम, कितने आगे चला गया हमें छोड़कर। बैग लेके जा रहा था ना, मम्मी पापा के साथ शुभम चल रहा था और हम लोग आ रहे धीरे। हाय मम्मी, ये या मगेल कारवार ये या हाँ ये कोकनी लैंग्वेज। वेलकम टू माय कारवार। अच्छा ये बड़ा इसका कारवार, पहली बार आ रहा है कारवार में और मेरा कारवार बोल रहा है। गाइस ये मेरे मम्मी का गाँव है सो वो बहुत ज्यादा खुश है। थोड़ा सा कोकनी बोलून दाखवा ना कोकणी। हाँ कारवार आवडतं मेरे तुला, सगळे कारवार दाखवतो पूछ समजाने सारा ऊपर से चला आहे। कारवार आवडलं का तुला? कारवार आवडलं का? मी सगळं कारवार दाखवतो। ओके ठीक है गाइस, मुझे भी कोकणी आता है, मुझे बोलना भी आता है बट इतनी अच्छी तरीके से और हेलो पूरा समझता है और मुझे भी बोला वो पूरा समझता, थोड़ी बोल भी लेती हूँ। वेरी गुड, यू आर नाइस। शुभम अपनी चाय के साथ आते हैं। सुबह की चाय 5 बजे की अच्छा लग रहा है। So far did you like कारवार? अच्छा लगा कारवार अभी तक? अभी देखना बाकी है। अच्छा क्या लगा अभी तक? स्टेशन ही देखना कितना अलग है। गाइस इधर ऐसा ठंडी लग रहा है, मतलब ऐसा ठंडी हो रहा है तुझे थोड़ा सा? हाँ यार क्लाइमेट में बहुत चेंज है। वाओ, सो गाइस दिस इज द कारवार स्टेशन। चाय पिएंगे? हाँ थोड़ी सी पिएंगे। गाइस गुड मॉर्निंग वाला मून, सुबह के 5 बजे की चाय और हम लोग जा रहे हैं घर। मून कौन है? गुड मॉर्निंग वाला मून मैं तू भी हूँ और वो भी है। मानवी हाँ? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यार ये Liked it. ये देखना पूरे नारियल के झाड़। नहीं है तो सिर्फ आंगन में, अभी घर में जाना है। घर भी बहुत सुंदर है। मैं एक काम करती हूँ हाँ। फ्रेश होने के बाद ना तुझे पूरा लाइक इंट्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है गाइस, ये चेक कीजिए, सब जगह नारियल के पौधे, सब जगह नारियल के पौधे, पूरी गांव की फीलिंग आ रही है। हाँ हे गाइज, सो वी आर बैक अगेन। गाइज इतने लॉन्ग जर्नी के बाद इतने थक गए थे हम लोग, तो उस घर पे आ गए, सीधा फ्रेश हो गए, लंच किया और सो गया। अभी 5 बज रहे, इतना लेट हम लोग उठे क्योंकि यार नीडेड था स्लीप तो बहुत। और अभी मैं आपको पूरा अच्छे से मेरे मम्मी का घर दिखाती हूँ, पूरा आंगन है इधर, बहुत बड़ा आंगन है, वो भी आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ। सो यस एंड शुभम इधर आ जा, तुझे अच्छे से मैं घर दिखाती हूँ हाँ। लाइक तू बोल रहा था ना तुझे घर देखना है हाँ। तो मैं पूरा अच्छी तरीके से तुझे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और इधर ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या इंटरेस्टिंग? इसलिए बोला लाइक आंगन में ही तू। गाइस इसको ना प्लांट्स का और ट्रीज का इतना क्रेज है ना, तो इसको बहुत अच्छा लगेगा इधर फॉर श्योर। और अभी तो देखता रह जाएगा इधर क्या है आंगन में। सो इधर है हमारा गेट एंड इधर से स्टार्ट होता है आंगन, और ये है घर जो इधर से लगने में बहुत छोटा लग रहा है बट अंदर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आगे से आपको पता चल जाएगा। और इधर तक है आंगन और गाइस हाँ इतने नारियल है, इतने exactly. नारियल ही नारियल सब जगह देख रहा हूँ, नारियल के पेड़ इतने सारे। हम हमारे इधर ही इतने नारियल के पेड़, और गाइस इधर इतने नारियल के पेड़ इतने ऊंचे होते रहे, हमें ऐसा लगता था छोटे छोटे होते थे, बट रियल लाइफ में लाइक अभी मैं दिखाती हूँ। ये गेट के पास में ये पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, और इसकी हाइट देखो, मुझे इतना बेंड करना पड़ रहा है। फिर मैं आपको दिखा, डर लग रहा है। हाँ। नारियल के नीचे से जा रहा हूँ, नहीं गिरते। फिर भी हम लोग इधर गेट के लिए ज्यादा रुकते नहीं है, क्योंकि ऊपर ही नारियल है। और ये बड़ा नहीं है, ये ज्यादा लंबा है, ये वो वाला पेड़ बहुत ही ज्यादा लंबा है, जो ऐसे ऐसे आने के बाद गाइस सिर्फ ऊपर देख रहा हूं। क्योंकि गाइस ऑफ कोर्स शुभम, ये कर्नाटका, इधर नारियल के पेड़ बहुत ही होंगे, यही तो स्पेशल है कर्नाटका। महाराष्ट्र में गाइस इतने पौधे देखे नहीं, कभी भी नहीं देखे, पौधे नहीं है, पेड़। हाँ, पेड़। हाँ। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इधर जो मेरी फेवरेट चीज है, मतलब इधर हर चीज मेरी फेवरेट है। शुभम इधर आ, ये है वेल, मतलब कुआ, और ये भी बहुत बड़ा। वीडियो में पता नहीं क्यों छोटा लग रहा है ये कुआ, बस सच में बहुत ऐसे। हाँ, सब लोगों के पास इधर कुआ ही रहेगा, मतलब हर घर में कुआ है। राइट, हर घर में जो भी इधर आसपास घर है, लाइक हर कर्नाटका में तू किधर भी जा, लाइक तुझे कुआ मिलेगा। और ये कुआ बड़ा है, कोई घर में छोटा भी रहता है, और इसमें पानी है। आराम से। हाँ, फोन संभाल के गाइस, पानी दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है पानी, देख लाइक ये मैंने अभी तो ऊपर ही है कभी, और ये इतना डीप है, पता है तुझे। हाँ। बहुत ही ज्यादा डीप है कुआं। मस्त लग रहा है ना। लाइक इधर छोटा, जब मैं छोटी थी ना, लाइक इसके ऊपर बैठी थी, मेरी दादी मुझे, नानी मुझे चिल्लाती थी, लाइक इसके ऊपर बैठ मत, उसको से डर लगता था। लाइक अभी तो जाली लगा दी है, गाइस इधर का नेचर एक नंबर है, सुकून लगता है, पीस है। इधर स्टेशन पे उतरा ना, ऐसे शांत लग रहा है। मुंबई से एग्जैक्टली सिटी लाइफ नहीं है, ये प्रॉपर विलेज है। और जो कि ऐसे ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, और मैं क्या क्या बताऊँ, इधर इतने सारी चीजें। और शुभम, हाँ, इस आंगन में इतने सारे इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाइस इसको ना प्लांट्स ऐसे बहुत शौक है। तो अभी तुझे एक ऐसा मस्त चीज दिखाती हूँ ना मैं, तुझे बहुत अच्छी लगेगी। आ जा मेरे साथ। किधर जाना है? आगे तो चल, दिखाती हूँ। रुक जा, मुझे आगे चलने दो। ठीक है मैडम, जाओ आगे। अभी लाइक शुभम भी लाइक ओ माय गॉड ऐसे बोलेगा। शुभम इधर आ, ओ माय गॉड क्यों बोलेगा? ये क्या है? ओ भाई गाइस, पाइनएप्पल। ये हाथ मत लगा, इधर पाइनएप्पल भी आते हैं, नुकीला है वो। पाइनएप्पल भी आते हैं इधर, बहुत सारे फ्रूट्स है, मैं दिखाती हूँ। लेकिन निकाल सकते, पक गया रहेगा? नहीं, मशरूम पका नहीं है, वो कच्चा है अभी तक। अभी पूरा राइप हो जाएगा, उसके बाद हम निकाल सकते हैं। ये जो पौधे हैं, वो सब पाइनएप्पल के। हाँ, ऐसे बहुत सारे आगे ऐसे लाइक लगा है, कोने कोने में लगा है। ये नारियल देख, क्या किधर नारियल है? ओ, ये नारियल है, इसमें पानी नहीं होता, इसलिए ऐसे अलग रखे इनको। और ये देख, अभी जस्ट एक पाइनएप्पल निकाला इसका ऊपर का। है पाल ने त्याला काय बोलतात, वो कलर चेंज करते नाही का? हाँ, गिरगिट। अरे तू अभी ये मजा उधर सुन कोई बात कर रही थी ना। हाँ। ये पानी है इसमें, पानी है। राइट पानी देखा, बाद में फोड़ते इसको। अरे बहुत रखे हैं अंदर, तुझे पता है। हाँ। इधर कोई भी हम कैसे से खरीद के लाते हैं नारियल, तो इधर कोई भी नारियल खरीदता ही नहीं है, सब पूरे आंगन में गिरते हैं। खुद का ही नारियल यूज करते हैं, नारियल है खुद के आंगन के नारियल है। कुछ भी बोलते हैं यार, इसके साथ रहना ही नहीं है कुछ भी। यार तूने गलत वे में दिया, तूने लिया। मैं बोला खुद का नारियल से बोला और निकल गया। खुद के आंगन के नारियल भाई, इधर तक, इधर तो गोली भर के रखा क्या? अरे बहुत सारे नारियल है। ये घर का दूसरा पीछे का साइड, इधर दूसरा डोर है। चल रे उधर आगे चलना। अरे नारियल मैं जा रही हूँ, ये तो नारियल के पीछे रह गया। मुझे ये साइड ना ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ। मैं तुझे वो साइड दिखाती हूँ, वो साइड। अरे बनाना मानवी, अरे क्या इधर बनाना आने वाला है। बनाना का ये फूल है, पता है मुझे। Let's look at this. बनाना अभी कच्चा है, मिटा जाएगा। और ऐसे ना ऐसे बंच में आते हो, इतने सुंदर लगते हैं, पता है तुझे, ऐसे बंच में आते बनाना। सुनना। हाँ बोलना। अपना अमरूद निकाल सकते? अमरूद मतलब? इसको हिंदी, अरे अमरूद मतलब इंग्लिश में बता। अच्छा वो पेरू मराठी पेरू बोलता है, हिंदी में अमृत बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश कॉन्वेंट्स ना, कॉन्वेंट समझ लेना चाहिए थोड़ा सा। तुझे समझना चाहिए कि मेरे से इस लैंग्वेज में मतलब अमृत, मुझे सच में आज पता चला अमृत बोल देंगे। वाह गाइस, ये जो घर है ना ऐसा ड्रीम हाउस टाइप है मेरा। लाइक इधर मैं रह सकती हूँ कितने भी दिन, और इतनी मस्त सनलाइट आ रही है। इधर की हर एक चीज़ यूनिक है, और यूनिक इसलिए है क्योंकि हम लाइक रहते जिधर है उधर ऐसे चीज। हाँ ये मुझे बात नहीं कर रही, ये बहुत फैसिनेट हो गया ये सारे को लाइक चीज़ों से। वो क्या कर रहा है, तो मुझे इतना ही दिख रहा है। ओह किधर है, ओह गिर गया। आँख में गया, क्या गया आँख में? दिखा क्या है, दिखा व्हाट? ये मुर्गा है भाई। ए भाई ये मुर्गे से दूर रहे, मुझे डर लगता है इससे। ये देख छोटू सा था लेकिन ये वाह अच्छा है। कच्चा है क्या? नहीं पिका हुआ है। पक्का हुआ है, पिका हुआ है क्या? गाइस हमारे ब्लॉग में पूरे लैंग्वेज का जो मिक्सचर है ना मराठी में अच्छा है। शुभम एक सच में मेरे दिल से ये बात है, हाँ। मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इधर आई हूँ, बट मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तू है मेरे। तू बोलने के पहले मुझे पता चल गया। वो तुझे पता है, मुझे मालूम है। मानवी के गाँव आयो पहली बार यार, नसीब लगता है, नसीब। हाँ धीरे लगता है, धीरे इतना भी नसीब नहीं किया। ओके बट ये सच में यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुशी और स्माइल, और इतनी बड़ी स्माइल हो रही है तेरे चेहरे पे ऊपर। ये करने में नसीब लगता है यार। शुभम बहुत नसीब वाला है सच में, बहुत समझने वाला कोई सच में बहुत नसीब वाला है। तू लाइक लिटरली आ सकता है। कौन है यार, कौन अपने गर्लफ्रेंड के गाँव भी जाता है? मैं जाता हूँ पहली बार, वो भी इतना दूर। लिटरली हम लोग कर्नाटका में है, बट पूरा स्टेट छोड़ के। और इतने दिन 15 दिन हम लोग रहने वाले। शुभम हमें बहुत सारे प्लेसेस कवर करना है। इधर इतने सारे प्लेसेस हैं, वो आपको इसलिए गाइस आगे के ब्लॉग देखते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग से ब्लॉग आने वाले हैं। हम लोग बहुत ही मस्त ब्लॉग आने वाले हैं। शुभम किधर चला गया? शुभम तू बैठ भी गया? ये देखो कैसा है रे तू, आराम से आके चाय भी पीने लगा। दोबारा मैं 1 मिनट हाथ धोने गई थी। ओह टोस्ट, मेरे फेवरेट टोस्ट है ये, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये इधर ही मिलते, हमारे इधर नहीं मिलते, पता है तुझे। आई लव दिस। ओके एंड आई लव यू टू। सो गाइस आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अभी हम लोग को बहुत जगह घूमना है, आप आगे देख लेना। हाँ। बहुत मजा आने वाला है ये सीरीज में। ये हमारी कर्नाटका सीरीज होने वाली है। हाँ तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye. Bye. Bye.